इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। लखनऊ से आ रही है जहां लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। रामपुर से बीजेपी ने घनश्याम लोधी को बनाया प्रत्याशी। आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल निरौवा को प्रत्याशी बनाया गया। तो लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी, लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी, लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए। रामपुर से बीजेपी ने घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाया है। आजमगढ़ से जिस तरह से सीट खाली हुई थी अखिलेश यादव की, और रामपुर से आजम खान की सीट खाली होने के बाद अब वहां लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो घनश्याम लोधी को रामपुर से और दिनेश लाल निरौवा को आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया। तो लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। रामपुर से आजम खान के इस्तीफा देने के बाद लोकसभा सीट खाली हुई थी, और आजमगढ़ से अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद सीट खाली हुई। अब उस पर उपचुनाव होना है, तो इसलिए दिनेश को वहां से प्रत्याशी बनाया है, जबकि रामपुर से घनश्याम को बनाया है। आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल निरौवा को प्रत्याशी बनाया गया है। लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो यह इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी जानकारी इंडिया न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल निरौवा को प्रत्याशी बनाया गया उपचुनाव के लिए। लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया। रामपुर से बीजेपी ने घनश्याम लोधी को बनाया प्रत्याशी। आजमगढ़ से सीट से दिनेश लाल निरौवा को भी बनाया प्रत्याशी। लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए, उत्तर प्रदेश से तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रजनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए सीधे लखनऊ से। रजनीश, जिस तरह से दोनों प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया, आजमगढ़ की सीट भी अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, रामपुर की सीट आजम खान के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, अब लोकसभा उपचुनाव होने हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने दोनों जगह अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? हैदर, कह सकते हैं कि इंडिया न्यूज की संभावित सूची पर एक बार फिर मोहर लगी। इंडिया न्यूज ने कुछ दिन पहले ही दिखाया था कि दिनेश लाल निरहुआ पर ही भारतीय जनता पार्टी दाव खेले के, हालांकि लोग अलग अलग खबर चला रहे थे, अलग अलग लोगों का अलग अलग दावा था, लेकिन दावों के इतर से अलग इंडिया न्यूज शुरू से ही अपनी बातों पर अडिग रहा। चैनल के माध्यम से, चैनल पर लगातार खबर चली कि दिनेश यादव ही आजमगढ़ से कैंडिडेट होंगे, अभी समाजवादी पार्टी का वहां पे उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। हालांकि जिस नाम को लेकर चर्चा की जा रही है वो दलित कास्ट से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो वहां पे चुनाव होने वाला है, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा के चुनाव था उसमें बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ मिलकर लड़ी थी, तब अखिलेश यादव का जो जीत का अंतर कह सकते हैं लाख था, लेकिन इस बार बसपा ने अपना कैंडिडेट, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं नेता बसपा के, वो सदन रह चुके हैं, उनको पार्टी ने उनपे दाव लगाया है। अब समाजवादी पार्टी पे लगातार नजर बनी हुई है, तो उनका कौन उनका कैंडिडेट होगा। दूसरी बात, रामपुर से कर ले घनश्याम लोधी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, पहले दूसरे दल में थे लेकिन मजबूत चेहरे माने जाते हैं, और जाति और वर्ग विशेष के समीकरण से भी वहां लोधी का ठीक ठाक मामला है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं उम्मीदवारों पर दाव लगाई है, जिनसे यह लगे कि 2024 के होने वाले पहले लोकसभा चुनाव के पहले ऐसी जीत मिले जिससे इनको विटामिन का काम करे, या कह सकते हैं कि बूस्ट अप मिले। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर है कि आजमगढ़, जहां लगातार समाजवाद का गढ़ माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का 2022 की बात करें कि एक भी सीट इनके पाले में नहीं है, एमएलसी के भी जो चुनाव हुआ निर्दलीय खाते में गया था, तो भारतीय जनता पार्टी और संगठन और सरकार दोनों के लिए चैलेंज है कि उस मिथ्या को तोड़ा जाए, निरहुआ को सदन में भेजा जाए। निरहुआ चूंकि यादव वर्ग से आते हैं, जात का चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जात का अलग मतलब होता है, कोई भी राजनीतिक, लेकिन दोनों ही सीटें समाजवादी का गढ़ है, आजम खान वाली सीट भी समाजवादी का गढ़ है और
आजमगढ़ वाली सीट भी, तो रामपुर या आजमगढ़ दोनों ही समाजवादी का गढ़ है। ऐसे में निरव्वा लाल दिनेश अब वहां कितना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि इंडिया न्यूज लगातार ये कह रहा था कि निरव्वा को ही यहां से टिकट दिया जाएगा, ये मोहर लगी है क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से हर जानकारी जुटाते हैं और इंडिया न्यूज पर हम दर्शकों को दिखाते हैं। अगर हम आजम खान की सीट की बात करें यानी रामपुर की सीट की बात करें तो यह कहा जा रहा था कि हो सकता है कोई मुस्लिम चेहरा भारतीय जनता पार्टी वहां उतारे, क्योंकि आजम खान समाजवादी को लगातार जिस तरह से रिप्रेजेंट वहां करेंगे तो मुस्लिम चेहरा वहां ज्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन घनश्याम लोधी को अब उतारा गया है तो यह अब देखना होगा कितना बेहतरीन प्रदर्शन वहां घनश्याम लोधी कर पाएंगे। रजनीश मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हैदर, जी हैदर आवाज आ रही है। देखिए अगर हम बात करें रामपुर की तो पहले वहां सांसद नूर बानो हुआ करती थी, उसके बाद आजम खान हुए, जयप्रदा हुई। लेकिन जो आपने गढ़ की बात कहा, समाजवादी का गढ़ असली माना जाता है कि आजमगढ़ को, इसलिए हम कहना इसमें कोई दो राय नहीं कि क्योंकि जब जब बड़े बड़े नेता अगर कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के चेहरा रहे हैं और जब बड़े नेता कहीं जहां भी चुनाव लड़ने जाते हैं वो सेफ जोन की तलाश करते हैं और अखिलेश मुलायम सिंह यादव की जब भी जरूरत पड़ी सेफ जोन कह सकते हैं कि उनको पार्लियामेंट में जाने की, तो उन्होंने आजमगढ़ को अपनी प्राथमिकता में रखा। तो वही मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज है और वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहेगी क्योंकि 2024 के पहले एक ये बूस्टअप का काम करेगा, मैसेज देने के काम करेगा। तो समाजवादियों को गढ़ हमने तोड़ दिया, हालांकि मैनपुर नेटावा जरूर माना जाता है, यादव लैंड माना जाता है, लेकिन पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में विधानसभा की भी सीटें देख लीजिए, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, इनका एक अपना शुरू से समाजवादी मिजाज का पूर्वांचल रहा है। अलग की बात है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन जरूर किया था, लेकिन 2022 का प्रदर्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको जरूर महसूस होगा, दर्शकों को महसूस होगा कि समाजवादी पार्टी ग्राउंड जीरो पर मजबूत है। निरहुआ स्मिथक को तोड़ पाते हैं कि नहीं तोड़ पाते हैं, सरकारी पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज है, संगठन के लिए चैलेंज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है काफी मजबूत माना जाता है, ये लोग अभेद किला को कैसे भेद पाते हैं। जी तो बिल्कुल रजनीश, जिस तरह से अब ये देखना होगा कि वाकई अब मैदान में खिलाड़ी तो उतार दिए गए हैं, अब ये देखना होगा लोकसभा उपचुनाव में ये कितना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और नजरें समाज